हेलो, वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर 2017 के जो मंथली रिव्यू होते हैं उसके बारे में। आज का ये वीडियो हमारा यूपीएससी पीटी 2018 को फोकस करके बनाया गया है। ये वीडियो बीपीएससी, एसबीआईपीओ और अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी यूजफुल है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसमें हम आपको जो मेन हेडलाइंस हैं, जो हिंदू जून 2017 के जो मेन टॉपिक्स थे, जो जिसके बारे में आपको एग्जाम में आ सकते हैं, उसको फोकस करके बनाया गया है। तो इसमें हम पहला सेक्शन में देखते हैं बैंकिंग करंट अफेयर से रिलेटेड। तो इसमें फर्स्ट हेडलाइन है, प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक हैज पार्टनर विथ प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक में मोबाइल पेमेंट स्विच टेरा पे से पार्टनर किया हुआ है टू इनेबल रियल टाइम मनी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट्स इन इंडिया। दूसरा हेडलाइन है कि आरबीआई ने 5 बैंकों पे पीसीए लागू किया हुआ है। ये 5 बैंक हैं आईडीबीआई, यूको बैंक, देना बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। तो यहाँ पे आप लोग को जानना जरूरी है कि पीसीए क्या होता है, व्हाट इज पीसीए। तो पीसीए बेसिकली प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन होता है, जिसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन भी बोलते हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। फिर दूसरा है कि महाराष्ट्र 6ठा बैंक है, महाराष्ट्र इज द 6th बैंक फॉर द ट्रिगरिंग ऑफ पीसीए बाई आरबीआई। नेक्स्ट हेडलाइन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ट्रिगर इनटू अ टाई अप विथ तिरुमाला मिल्क प्रोडक्ट, जो कि एक साउथ कंपनी है और जो कि एक्वायर्ड किया गया है ग्रुपे लैक्टालिस 2014 में, प्रोवाइड लोन्स टू डेयरी फार्मर्स टू सप्लाई मिल्क टू द लेटर। नेक्स्ट हेडलाइन, आरबीआई ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाया है जिसमें 3 और मेंबर होंगे और ये पैनल जो बना हुआ है ये हमें एग्जामिन द प्रोसेस टू रिजॉल्व माउंटिंग बैड लोन्स इन बैंकिंग सेक्टर, और इसके जो हेड हैं इसके हेड होंगे प्रदीप कुमार, और बाकी इसमें भी हेड और भी हैं जो कि हैं हमारे एसबीआई चेयरमैन जानकी बल्लभ, जो कि फॉर्मर एसबीआई के चेयरमैन है, वो है कैनरा बैंक के चेयरमैन और एमडी हैं राव। तो इसमें हम लोग यहाँ और भी मेंबर्स हैं। तो इसके साथ आगे हम नेक्स्ट हेडलाइन को देखते हैं, इन कंटिन्यूएशन ऑफ इशूइंग ऑफ 500 नोट्स महात्मा गांधी न्यू सीरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम न्यू आर करेंटली लीगल टेंडर अ न्यू बैच ऑफ बैंक नोट्स विथ इंसर्ट लेटर ए इन बोथ द नंबर पैनल्स बियरिंग द सिग्नेचर ऑफ आरबीआई गवर्नर डॉक्टर उजित आर पटेल। नेक्स्ट हेडलाइन है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने अभी फिलहाल ही जून 2017 में लॉन्च किया था रिटेल मार्ट, जो कि हमारा केरला कैपिटल सिटी में हुआ था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है पीसीए का डिफिनेशन दिया हुआ है, लीजिए मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे पीसीए का होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, विच इज द एक्शन विच विल नॉट हैविंग मटेरियल इंपैक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ बैंक, इनफैक्ट इट विल कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ बैंक एंड इम्प्रूवमेंट इन इट्स एक्टिविटी। अब नेक्स्ट हेडलाइन है, बैंक ऑफ इंडिया
conducted a mass contact program, Star Mahotsav, across its branch network. Next, recovery of bad loans. ये जो महोत्सव हुआ था इसका बेसिक जो एम था वो था रिकवरी ऑफ बैड लोन्स डिस्बर्समेंट ऑफ रिटेल लोन इंक्लूडिंग हाउस एंड व्हीकल लोन एंड डिस्बर्समेंट अंडर एमएसएमई इन एग्रीकल्चर एंड प्रमोशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड पॉस मशीन्स इंटरनेट बैंकिंग एटीसी. Next headline is, on the basis of assessment of current and evolving microeconomic situation at its meeting in June 2017, the Monetary Policy Committee, MPC, decided to following changes. They kept the policy repo rate under the Liquidity Adjustment Facility, LAF, unchanged at 6.25%. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains 6.0% and marginal standing facility MASF rate and bank rate at 6.50%. Now, we will cover the schemes portal and mission launched in 2017 June. The main headlines are, the Minister of State for Public Grievances and Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh, launched a comprehensive online modified modules on induction training, that is COMIT. The main objective of this program was to provide the public service delivery mechanism and provide citizen-centric administration through capacity building of officials who interact with citizens on day-to-day basis. COMIT will be launched in 6 states, that is Assam, Haryana, Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana, and West Bengal. Now, next headline is, United Nations has recently declared 27 June as UN Day for MSME. It has been celebrated for recognizing the importance of crucial role that the sector plays both in terms of job creation and contribution towards economic growth. Now, International Trade Center ITC has celebrated the first International MSME Day on June 2017. The theme of MSME is a small business big impact. Ministry of Health and Family Welfare has launched the Intensified Diarrhea Control Fortnight IDCF in order to intensify efforts to reduce child deaths due to diarrhea. It aims to create mass awareness about the most effective and low-cost diarrhea treatment, a combination of oral rehydration salt, ORS solution, and zinc tablets. Next, External Affairs Minister Sushma Swaraj has inaugurated No India Program KIP for young overseas Indians. The main objective of this program was to promote awareness on different aspects of life in India and progress made by country in various fields such as economy and education. It provides a unique forum for students and young professionals of India origin to visit India, share their views, expectations, and experience, and also develop closer bonds with contemporary India. Minister for Science and Technology, Dr. Harshvardhan, launched a mobile app celebrating yoga developed by Ministry of Science and Tech in New Delhi.
The purpose of the app is to popularize yoga and encourage people to participate in it for scientifically healthy living. Our next headline is the development of science and tech. DST launched the Visiting Advanced Joint Research Facility, FALRI, Bajra SPM, in a bid to bring together the Indian scientists, abroad, and India-based researchers are conducting joint research in India. The motive behind launching Bajra scheme is to bring the best world in India and conduct research in country itself. It aims to convert brain drain into brain gain. Our next headline is President Pranab Mukherjee, former president, has launched Selfie with Daughter, a mobile application that aim was to raising awareness about female fraticide and sex selection. The aim to motivate society to feel proud to be parents of a girl child, which in turn will result in improving child sex ratio. Civil Aviation Minister is adding a digital experience for air travelers through Digi Yatra platform in New Delhi. The aim of Digi Yatra to bring together entire industry to develop a digital ecosystem that will deliver customers a seamless and paperless service experience at every stage of journey. Our next headline is Telangana government has launched a digital wallet named T-Wallet, which does not have any charge transaction fee from consumers. A T-Wallet is a bi-directional in nature. While consumers use it for public and private transactions, the government can use it to make payments to various beneficiaries. Telangana government has recently launched a single women pension scheme. Across the state, single women will be given 1,000 per month. It is the first such scheme in India. Now, we will cover the June 2017. The headlines from State in News. इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो चर्चा में थे जून में 2017 के, तो आइए इस पे हम नजर डालते हैं। हमारा फर्स्ट हेडलाइन है, उड़ीसा इज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ ब्लड बैंक फॉर द कैटल। नेक्स्ट हेडलाइन, कोची मेट्रो इज द फर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम to reserve jobs for members of third sect, and it will be manned mainly by a women self-help group. Next headline is, Indore, the commercial capital of Madhya Pradesh, naam se jana jata hai, wo pehla city hai India mein, jahan pe robot is being used on experimental basis to control its ever-growing and unruly traffic. ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रोबोट का यूज किया जाता है। बंगलुरु, जो कि कर्नाटका का एक फेमस प्लेस है, इट बिकम द फर्स्ट सिटी वेयर वन कैन हैव फ्यूल डिलीवर एट वन टूरिस्ट स्टेप, जहां पे लोगों को एक घर तक पेट्रोल डिलीवरी होगा, जैसे कि दूध और न्यूज़पेपर का हमें सुविधा मिलता है। माइक्रो माई पेट्रोल पंप और वन ईयर ओल्ड स्टार्टअप कंडक्टेड ए सॉफ्ट लॉन्च विद थ्री डिलीवरी व्हीकल ईच विद कैपेसिटी ऑफ 900 लीटर्स। नाउ आवर नेक्स्ट हेडलाइन इज चाइल्ड राइट्स यू क्राइ रिपोर्ट सेड दैट उत्तर प्रदेश हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ
children engaged in labor. Next is state-run power grant. National Thermal Power Corporation (NTPC) has energized India's first 150 kilowatt power canal top solar power banking system on cooling water channel inside power station premises at its 2320 megawatt Modha thermal power project near Nagpur in Maharashtra. Our next headline is Vatsalya Matri Amrit Kosh, a National Human Milk Bank and Lactation Counseling Center was inaugurated at the Lady Harding Medical College, that is LHMC, in New Delhi. Vatsalya Matri Amrit Kosh will be largest milk bank and lactation counseling center available in North India. Our next headline is Niti Aayog has just in June 2017 has launched SAAT, a program providing sustainable action for transforming human capital with state governments. Now, in the section of new appointment, many appointment message, June 2017 में जो हुए थे, उनके बारे में जो main headlines, उनके बारे में जानते हैं, तो हमारा पहला headlines है, Indian nominee Nehru Chadda became the first Indian woman to be selected as the member of International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS. She will have a 9-year term as judge at ITLOS from 2017 to 2026. Currently an eminent jurist from India, P. Chandrasekhara Rao is a judge at Tribunal. Next, Atal Innovation Mission is initiative to promote internship in the country. जहाँ पे हम लोग को जानना जरूरी है कि Atal Innovation Mission क्या होता है, तो एक प्रकार से ये initiative है जो कि entrepreneurship को promote करता है हमारे इंडिया में. आइए अब दूसरे headlines को देखते हैं. United Nations Children Fund UNICEF announced on the World Refugee Day. This June को World Refugee Day घोषित किया हुआ है. They found the appointment of New June Al Milan, 19 साल का जो education activist है, Syrian refugee, as its newest and youngest goodwill ambassador जो होंगे. The appointment makes New June the first person with official refugee status to become an ambassador for UNICEF. Next line है, हमारा economic and business current affairs है, जो कि first headline है हमारा India Skill India Mission से है. इस mission के अनुसार under the program adults जो कि 15 से 59 साल के हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट विल गेट द स्किल ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर आफ्टर ट्रेनिंग दे हाउएवर गेट द जॉब इन अ प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर. नेक्स्ट, कंट्री कंपटीशन वॉचडॉग सीसीआई इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 87 करोड़ ऑन कोरियन कार मेकर Hyundai Motor India फॉर एंटी कॉम्पिटेटिव कंडक्ट. 87 करोड़ का पेनाल्टी लगाया है हमारे इंडिया के कंपटीशन वॉचडॉग की एक कमेटी है, उसने Hyundai कार मोटर. नेक्स्ट हेडलाइन है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA has now introduced APY at the rate ENPS
which involved a complete digital enrollment process. This is the latest in a series of various initiatives taken by PFRDA for expansion of its outreach of Atal Pension Yojana. Next line is Employees Provident Fund Organization, that is EPFO, has signed an MOU with Housing and Urban Development Corporation to enable members of its housing scheme to avail subsidy and interest subvention under Pradhan Mantri Awas Yojana. Next headline hai, Insurance Regulatory and Development Authority of India, jo ki hai IRDAI ko, isne has taken over the administration of Sahara India Life Insurance and of first of its kind move in insurance sector. Ab hum sports ke jo important headlines hai iske bare mein charcha karenge. हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स से जून 2017 में क्या क्या न्यूज निकले उनके बारे में. तो यहाँ पे फर्स्ट हेडलाइन है, BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशल 7 मेंबर कमिटी टू आइडेंटिफाई फ्यू क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर जनरल बॉडी ऑफ क्रिकेट बोर्ड टू कंसिडर बिफोर दे आर सबमिटेड टू सुप्रीम कोर्ट. और इसके जो मेंबर होंगे ये होंगे आपके 7 मेंबर होंगे, इसमें राजीव शुक्ला, सौरव गांगुली, नाबा भट्टाचारी, टीवी मैथ्यू, जैसा अमिताभ चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी होंगे. नेक्स्ट लाइन श्रीनिवासन गोकुल नाथ, जो कि महाराष्ट्र से है, क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट 4,941 किलोमीटर रेस अक्रॉस अमेरिका इन सोलो कैटेगरी. नेक्स्ट लाइन है मीका शर्मा, अनदर इंडियन हैज बिकम मिस वर्ल्ड इन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, जो कि बिलोंग करती है देहरादून से. अब हमारा जो नेक्स्ट हेडलाइन है स्पोर्ट्स से ही है अभी, इंडियन कैप्टन विराट कोहली डिस्प्लेस साउथ अफ्रीकन एबी डिविलियर्स एज द नंबर 1 रैंक ओडीआई बैट्समैन इन वर्ल्ड बाय ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जोस हेजलवुड टुक ओवर फ्रॉम प्रोटीस पेसर कार्टिसो प्रभादा एज द नंबर 1 रैंक्ड बॉलर. नेक्स्ट हेडलाइन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज अप्रूव्ड न्यू इवेंट्स फॉर 2020 टोक्यो गेम्स इंक्लूडिंग अ नंबर ऑफ मिक्स जेंडर कॉम्पिटिशन. सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंच ओपन टाइटल 2017 में जो हुआ था उसमें रोनाल्ड गैरोस पेरिस में हुआ था, उसका कंप्लीट लिस्ट है कौन कौन से प्लेयर्स ने जीता हुआ था. इसमें फ्रेंच मैन सिंगल ओपन टाइटल स्पेन राफेल नडाल, जो कि 10th फ्रेंच टाइटल था, डिफिटेड स्टेन वावरिंका स्विट्जरलैंड के थे. फ्रेंच वुमेन सिंगल्स ओपन टाइटल लेटविया जेलेना ओस्टापेंको फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल डिफीटेड साइमोना हेलेप, जो कि रोम की थी. फ्रेंच मेंस डबल टाइटल माइकल वेनस न्यूजीलैंड एंड रियान हैरिसन यूएसए डिफीटेड सैंडियोगो गोंजालेज एंड रोनाल्ड यंग. फ्रेंच वुमेन डबल टाइटल मैथियानी मैट्रिड सांडा यूएसए ल्यूसी शापोवालोवा सेट रिपब्लिक डिफीटेड एस्लेट बार्टी एंड कैसे डेलाक्यू. फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल्स टाइटल रोहन बनाप्पा इंडिया एंड गैब्रियला
रोबराउस्की कनाडा, एक्टेट एना लेना ग्राउंड फेल एंड रोबर्ट पेरन। आइए अब कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। इसमें फर्स्ट हेडलाइन है, इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड $1,00,000 टू यूएन यूनाइटेड नेशन फंड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ऑफ टैक्स इश्यूज बिकमिंग फर्स्ट कंट्री टू मेक द कंट्रीब्यूशन। यूएन टैक्स ट्रस्ट फंड एम्स टू सपोर्ट द वर्क ऑफ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन टैक्स मैटर्स। नेक्स्ट हेडलाइन है, UN Security Council has unanimously approved a resolution sharply reducing the joint United Nations African Union peacekeeping force in Sudan troubled Darfur region. The British drafted resolution will reduce the number of peacekeepers by 44% and international police by about 27% in Darfur mission. Next headline is, Afghan President Ashraf Ghani inaugurated the first Afghanistan-India air corridor at Kabul International Airport. The corridor is direct route that will bypass Pakistan and lead to improve commerce in Afghanistan. The aim of the route is to create more opportunities and make Afghanistan an exporter country. Next in line, India signed both OECD multilateral convention that aims to check cross-border tax taxation by multinational companies. Indian Finance Minister Arvind Jaitley signed the multilateral convention in Paris, France, to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting. Next line, India has successfully tested its first all weather track chassis with reaction surface to air missile QRSAM from a mobile launcher at integrated test range at Chandipur in Odisha. Now, in the rank and index released by India, we will cover this section. First headline, India continued to rise in global innovation index GI ranking. In 2017 ranking released in Geneva, Switzerland, India improved its position from 66 to 60. The top three most innovative countries are first Switzerland, second Sweden, and third is Netherlands. Our next line is Connaught Place in the National Capital City. That is New Delhi. It is the most expensive market office in India and ninth most expensive office market in the world. And in this list, Hong Kong Central became the world's highest priced office, that is in China. Next, India has ranked 137 out of 163 countries on the Global Peace Index, published by Institute of Economic and Peace. Ireland has been named the world's most peaceful country, while Syria least peaceful country. Now, agreement section. In agreement section, we will cover the following headlines. First, India and Portugal have signed 11 MOUs for cooperation in areas including double taxation, avoidance, science and tech, trade, investment, nanotechnology, space, research, administration, reforms and cultures.
India and Russia have identified key areas to foster cooperation in science and tech sectors, including space and marine technology, IT, and deep ocean engineering. This is where chosen at first meeting of India-Russia Joint Committee on Science and Technology Cooperation in Siberian city of Novosibirsk. Also inspired by India's Make in India initiative, Moscow has launched or to it in Russia initiative to promote local manufacturing and technology development. Now, the cabinet has recently approved the following things. In 2017, the amendment of bilateral social security agreement SSA between India and the Netherlands by incorporating the countries of same resident principle into SAD. In this way, we cover the most important headlines of June 2017 from the Hindu. And some of the things are left now. So, if you want to continue with, then comment me. I will make part 2 of this video. And if you have not subscribed this channel, then subscribe so that we will get the daily videos related to government jobs and examinations. Also subscribe, like and share this video. Thank you for watching this video.